हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बेसिक फोटोशॉप सीरीज के अंदर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्लेंडिंग ऑप्शन। तो फोटोशॉप 2015 है ये हमारे पास में। यहाँ पे अभी हमारे पास एक फ़ोटो है। देखिए, ये बैकग्राउंड है, ये जो इमेज है वो बैकग्राउंड है। एक इमेज ओपन किया हुआ है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमारे लेयर स्टाइल है, इसके अंदर ब्लेंडिंग ऑप्शंस है, और यहाँ पर भी ब्लेंडिंग ऑप्शंस है, लेकिन सिर्फ एक बैकग्राउंड लेयर होने की वजह से वो दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, एक्टिव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू लेयर लेते हैं। न्यू लेयर के लिए यहाँ पे एक छोटा सा बटन है न्यू लेयर का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके बाद में मैं यहाँ पे मार्क टूल से सिलेक्शन करता हूँ। ये सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद में ये न्यू लेयर मैंने ले लिया है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ग्रेडिएंट वाइट टू ब्लैक फिल करता हूँ। ये मैंने इसके अंदर फिल कर लिया। इस लेयर को मैं यहाँ पे साइड में छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं एक और न्यू लेयर में लेता हूँ, और यहाँ पर एक और न्यू लेयर जो लिया है उसके अंदर मैं फिल करता हूँ इसके साथ F5 से, यहाँ पर 50% ग्रे। ओके, ये मैंने ग्रे फिल कर दिया। ये हमें समझने में मदद करेगा, यहाँ पर हमने वाइट और ब्लैक, वाइट टू ब्लैक का कॉम्बिनेशन लिया है, और यहाँ पे ओनली ग्रे लिया है। तो देखिए, लेयर मेन्यू के अंदर हम जाते हैं एडजस्टमेंट के अंदर, तो वहाँ पर हमें लेयर स्टाइल के अंदर मिलेगा ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ये यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर खूब सारे ऑप्शंस हैं। आज हम ब्लेंडिंग मोड्स देखने वाले हैं। ब्लेंडिंग मोड्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तो खूब सारे ब्लेंडिंग मोड्स हमें दिखाई देंगे। ब्लेंडिंग मोड्स जो है वो यहाँ पर भी आपको मिलेंगे, वही सेम ब्लेंडिंग मोड्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ब्लेंडिंग मोड्स देख रहे हैं सभी के सभी। यहाँ पर जितने ब्लेंडिंग मोड है इसके अलावा भी हम दो ब्लेंडिंग मोड और देखेंगे, तो इनको बारी बारी से हम देखते हैं। ब्लेंडिंग मोड्स एक्चुअल में क्या करते हैं, ये किसी फोटो के ऊपर अगर हमने इनमें से कोई भी ब्लेंडिंग मोड अप्लाई कर दिया, ये एक मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं, लाइटन, डार्कन, ओवरले, इस तरह से। मतलब बैकग्राउंड के अंदर जो फोटो होती है उसके साथ में कलर्स जो है वो मिक्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके से होते हैं। ओवरले करेंगे तो अलग तरह से होगा, फिर डार्कन करेंगे, लाइटन करेंगे, तो उसका एक अलग अलग तरीका होता है। और ये ऑप्शंस बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं, इनकी मदद से हम फोटो के अंदर कलर इफेक्ट भी दे सकते हैं, फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर भी कर सकते हैं, फोटो के अंदर कलर करेक्शन भी कर सकते हैं, और फोटो जब मैनिपुलेशन करते हैं उसके अंदर भी ये ऑप्शंस जो है हमारे काम आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं, इनको हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस लेयर को मैं यहाँ पर एक बार छोड़ देता हूँ। यहाँ पे जो लेयर टू है, 50% ग्रे जो लेयर है, इसको हम यूज लेंगे, इससे हम समझेंगे। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में देखिए, यहाँ पर डिजोल्व का ऑप्शन है। सबसे पहले डिजोल्व, डिजोल्व क्या होता है, देखिए डिजोल्व किस तरह से वर्क करता है। इसके अंदर साइड में आपको वैसे दिखाई दे रही होगी, छोटी छोटी यहाँ पे दाने दाने से हैं। अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँगा तो देखिए इस तरह से कुछ डिजोल्व हो जाती है फोटो, लाइनिंग जैसी, दाने दाने जैसे कुछ आ गया, ये देखिए। और ये चीज़ आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर फोटो के अंदर मैंने इरेजर टूल की मदद से कुछ किया हुआ होता, इस तरह से इरेज किया होता, तो फोटो कुछ इस तरह से डिजोल्व हो जाती। और इसके बाद में देखिए ऑप्शन है डार्कन। यहाँ पर आप देखिए ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर ग्रुप बने हुए हैं अलग अलग, नॉर्मल और डिजोल्व, ये एक ग्रुप हो गया। उसके बाद में है डार्कन का ग्रुप है, जिसके अंदर सारे के सारे डार्कन और इससे रिलेटेड ही हैं। उसके बाद में लाइटन और इससे रिलेटेड हो गए। उसके बाद में ओवरले, सॉफ्ट लाइट, इनका एक ग्रुप हो गया। उसके बाद में डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, इन सभी का एक ग्रुप है, और हुई सेचुरेशन, कलर, ये सभी एक एक ग्रुप बने। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डार्कन, लाइटन, ओवरले, इन सभी को, डिफरेंस को, हुई को, इनको हम समझते हैं, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है इनसे रिलेटेड ही है। तो एक बार हम इनको अगर समझ लेंगे अच्छी तरह से तो हमें आइडिया आ जाएगा पूरे ब्लेंडिंग मोड का। तो कैसे समझते हैं, देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डार्कन करता हूँ। डार्कन जैसे ही मैंने किया, ये ब्लेंडिंग ऑप्शन हमने इस 50% ग्रे नाम से जो लेयर है इसके ऊपर हमने अप्लाई किया है, डार्कन इसके ऊपर हमने अप्लाई किया है। तो देखिए ये डार्कन अप्लाई होने के बाद में जहाँ कहीं पर भी बैकग्राउंड के अंदर जो लेयर है उसके ऊपर डार्क, जैसे कि यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे ये जैसे ही जाएगा तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये खुद
डार्कन की तरह बिहेव करता है, यानी कि ये खुद डार्कन बन जाता है, डार्क बन जाता है, और जहाँ कहीं पर भी डार्क इसको जगह मिलती है, जैसे ही ये डार्क जगह पे जाएगा, डार्क टू डार्क मिक्स हो जाता है और वहाँ पे इसका पता नहीं चलता। लेकिन डार्क जब बना हुआ है, पीछे से लाइट पार्ट है, तब ही हमें ज़रूर पता चलता है, तब लाइट पार्ट को ये थोड़ा डार्क करके फिर दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर आता है, यहाँ पर अच्छी तरह से ये डार्कन हो रहा है। इसी तरह से अगर ये व्हाइट जो पार्ट है यहाँ पर आएगा, तो बिल्कुल ये ग्रे हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देखिए। और यहाँ पे जो ब्लैक पार्ट है, इसके ऊपर हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये डार्कन है, और डार्कन का जस्ट उल्टा है लाइटन। लाइटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में देखिए, जहाँ पे लाइट पार्ट है वहाँ पे ये हमें नहीं दिखाई देगा। यानी कि ऐसे समझ लीजिए आसान शब्दों में, कि ये खुद लाइट की तरह बिहेव करता है, ये लाइटन बन जाता है, उसका मोड लाइटन हो जाता है। तो फिर ये जब लाइटन पार्ट के ऊपर जाएगा, लाइट टू लाइट मिक्स हो गया, तो फिर इसका इफेक्ट वहाँ पे नहीं दिखाई देता है। लेकिन डार्क के ऊपर जाएगा तो ये बिल्कुल इसका इफेक्ट दिखाई देगा यहाँ पे। लाइट बिल्कुल लाइट पार्ट के ऊपर जाएगा तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन डार्कन पार्ट के ऊपर इसका पता चलेगा। ये डार्कन और लाइटन मोड हो गए, डार्कन मोड और लाइटन मोड। ओवरले, उसके बाद में है ओवरले। ओवरले क्या करता है, एक तरह से मिक्स कर देता है फोटो को, ओवरले कर देता है फोटो को। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओवरले के ऊपर, ओवरले, तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ गया, बिल्कुल फोटो इसके अंदर मिक्स हो गई है, ओवरले हो गई है फोटो। तो इसका पता अगर हमें करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ओवरले करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा, ये जैसे 50% ग्रे था, तो इसकी लाइटनेस मैं यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ, डिक्रीज कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ इसको, तब पता चलेगा। ये देखो यहाँ पे पता चल रहा है इसका, इसको मैं कर देता हूँ ओवरले। और इसके बाद में कंट्रोल यू से, जैसे ही मैं लाइटिंग इसकी डार्क कर रहा हूँ, तो इसका पता चल रहा है, लाइटनेस इसकी बढ़ा रहा हूँ तो भी इसका पता चल रहा है। दोनों ही सिचुएशन के अंदर इसका थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, लेकिन ये मिक्स हो रहा है बैकग्राउंड के साथ में। 50% ग्रे होगा तब बिल्कुल ये मिक्स हो जाएगा उसके साथ में, तो ये ओवरले हो रहा है उसके साथ में। और इसके जस्ट नीचे वाला ऑप्शन सॉफ्ट लाइट जो है, ओवरले का ही दूसरा रूप आप मान सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा सॉफ्ट ओवरले होता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे डिफरेंस की। डिफरेंस के अंदर क्या हो जाता है, इसके डिफरेंस हो जाते हैं, कलर उल्टे हो जाते हैं इसके अंदर, जो कलर्स होते हैं जो पूरी तरह से इनवर्स दिखा रहे हैं हमें, जहाँ कहीं पर भी हम लेके जा रहे हैं, तो ये डिफरेंस कलर्स दिखा रहे हैं, वाइट ब्लैक और ब्लैक वाइट। जैसे इस ब्लैक के ऊपर आते हैं तो ये लाइट दिखा रहे हैं यहाँ पे, और लाइट के ऊपर आ रहे हैं तो ये हमें थोड़ा सा ब्लैक की तरफ दिखाएगा। तो ये पूरा इसका डिफरेंट हो रहा है। और इसके बाद में हु है, वो हु क्या करता है, जैसे ये फोटो ब्लैक एंड व्हाइट थी, ग्रे कलर था, तो ये ग्रे जो खुद का कलर है, वो यहाँ पे ग्रे कलर बैकग्राउंड के अंदर छोड़ रहा है, और बैकग्राउंड फोटो के अंदर अगर इसको हम फुल पूरी तरह से कर देंगे, तो फोटो ब्लैक एंड व्हाइट बन रही है। तो ये इसका इफेक्ट इसके अंदर आता है। अब हम बात करते हैं डिटेल से इनके बारे में, अब हम डिटेल से देखते हैं, एक एक आइडिया हमको इनसे आ गया है, डार्कन लाइटन जो मोस्ट यूजफुल है, हम इन्हीं को लेते हैं और इनका बेस मान कर हम चलते हैं। ये अभी तक मैंने सिर्फ इनको बताया, ये देखिए, ये हमने एग्जांपल क्यों लिया था, इसको मैं वापस नॉर्मल कर देता हूँ। ये इसलिए लिया था कि देखिए, अगर मैं इसको डार्कन करता हूँ, उसको नहीं, इसको करेंगे नॉर्मल, अगर मैं इसको डार्कन करता हूँ यहाँ से डार्कन, तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक कलर है, प्योर ब्लैक कलर है, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। जहाँ पे ग्रे कलर है वो हमने जैसे देखा था, ठीक वैसा इफेक्ट आ रहा है। और जो वहाँ जहाँ पे प्योर व्हाइट कलर है, व्हाइट टू व्हाइट आपको पता है, व्हाइट टू व्हाइट, लाइट टू लाइट मिक्स हो गया, और जहाँ पे प्योर डार्क कलर है वो प्योर डार्क ही रहेगा। इसी तरह से लाइटन करेंगे तो इसका बिल्कुल उल्टा इफेक्ट यहाँ पर आएगा, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये एग्जाम्पल लेने के लिए इस एग्जाम्पल को लिया था। उसके बाद में देखिए, इसको वापस नॉर्मल कर देते हैं, यहाँ पे ये लेके आते हैं, और डार्कन के बाद बात करते हैं मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, तो डार्कन से थोड़ा सा, डार्कन जिस तरह से वर्क कर रहा है, डार्कन से थोड़ा सा मल्टीप्लाई होगा बैकग्राउंड के साथ में। डार्कन के अंदर तो क्या था, पूरी तरह से यहाँ पे जो ग्रे कलर है वो यहाँ पे देखिए हाथ के ऊपर, यहाँ पर ग्रे कलर दिखा रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई होगा तो बैकग्राउंड के अंदर जो कलर्स हैं उनके साथ में कलर्स मल्टीप्लाई होंगे मैथमेटिकली, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई जो ऑप्शन है, इस तरह से मल्टीप्लाई करेगा, ये
अगर डार्क पार्ट के अंदर हम जाएंगे तो भी यहाँ पे दिखाई देगा, और लाइट पार्ट के अंदर जाएंगे तो भी दिखाई देगा। ये मल्टीप्लाई का अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद में कलर बर्न, कलर बर्न आप देखेंगे जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कलर बर्न, बर्न का मतलब जलना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर्स बहुत ज़्यादा गहरे हो रहे हैं, चमक बढ़ रही है, शाइनिंग बढ़ रही है कलर्स के अंदर। तो एक तरह से कलर्स आप जल रहे हैं ऐसे भी कह सकते हो, कलर बर्न हो रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से एक कलर बर्न का ऑप्शन हो गया। और इन सभी को आप ओपेसिटी से ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इतना ज़्यादा कलर बर्न नहीं चाहिए फोटो के अंदर, तो आप ओपेसिटी जैसे ही कम करेंगे तो ये कलर बर्न का इफेक्ट कम हो जाएगा इससे। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, लाइनियर बर्न। लाइनियर बर्न जो है इससे फोटो के अंदर ज़्यादा हार्ड कलर्स नहीं दिखाई दे रहे, जैसे कि कलर बर्न के अंदर जिस तरह से ज़्यादा शाइनिंग और चमक और कलर्स के अंदर डार्क लाइट का पार्ट डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे प्योर डार्क दिखाई दे रहा है ब्लैक, और यहाँ पे प्योर लाइट, इस तरह से ये नहीं दिखाई देगा। ये थोड़ा सा उससे लाइनियर है, हल्का इफेक्ट आएगा इससे। उसके बाद में डार्कर कलर, डार्कर कलर जो है वो देखिए डार्केन की तरह ही है, लेकिन डार्कन सॉफ्ट वर्क करता है, डार्कर कलर हार्ड करता है। यहाँ पे ये जो लाइटिंग के ऊपर कलर आया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप हार्ड तरीके से एक लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, ये लाइनिंग इस तरह से। लेकिन ये डार्कन हम करेंगे तो सॉफ्ट, धीरे धीरे सॉफ्ट बनती जाएगी ये। तो इसके अंदर ये डिफरेंस है डार्कन और डार्कन कलर के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं लाइटन की। लाइटन हमने देख लिया है। उसके बाद में स्क्रीन, स्क्रीन के अंदर क्या होता है, ये थोड़ा सा लाइट ज़्यादा दिखाई दे रहा है इसके अंदर। अगर लाइटन करेंगे तो हमने देखा था कि बैकग्राउंड के साथ में इस तरह से ये लाइट के अंदर जाते हैं तो पता भी नहीं चलता है, लेकिन अगर स्क्रीन हम करेंगे तो इसका पता चलेगा, यानी कि थोड़ा सा लाइटन से ज़्यादा इफेक्ट देगा। थोड़ा थोड़ा आप इसको देख सकते हैं, पहले से ज़्यादा लाइट दे रहा है स्क्रीन के अंदर। और कलर डोज आप देखेंगे तो इसके अंदर कलर्स पूरी तरह से ये शाइनिंग मार रहे हैं, पूरे के पूरे कलर्स हैं वो शाइनिंग दे रहे हैं। जहाँ कहीं पे भी अगर ये ऊपर, इसके ऊपर वाइटिंग के या इन कलर्स के ऊपर लेके जाएंगे तो कलर्स जो आते हैं बैकग्राउंड के अंदर वो शाइनिंग दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है, वाइट के ऊपर, ब्लैक के ऊपर आप इसके इफेक्ट दे रहे हो, प्योर ब्लैक के ऊपर भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। इसका इफेक्ट ज़्यादातर यहाँ पे कलर्स के ऊपर आप देख सकते हैं, कलर्स ज़्यादा शाइनिंग हो रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से वर्क करता है जैसे कि हमने डोज टूल वगैरह देखे थे, बर्न टूल, बर्न और डोज की तरह ही यहाँ पे ये ब्लेंडिंग ऑप्शन है, इनके अंदर भी ठीक वैसे ही वर्क करता है। उसके बाद में लाइनियर डोज, लाइनियर डोज लाइनियर बर्न की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा कम इफेक्ट इसका आएगा, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद में लाइटर कलर, लाइटर कलर सेम डार्कर हमने देखा था, डार्कन और डार्कर कलर के अंदर जो हमने डिफरेंस देखा था सेम वही लाइटन और लाइटन कलर के अंदर यहाँ पर डिफरेंस आप देख सकते हैं। यहाँ पर हार्ड आ रही है जो लाइनिंग आती है, और लाइटन के अंदर सॉफ्ट लाइनिंग आती है। और उसके बाद में आता है ओवरले, ओवरले हमने देखा। उसके बाद है सॉफ्ट ले, ओवरले से थोड़ी सी हल्की लाइट आएगी। उसके बाद में सभी के उसके बाद में ऑप्शन देखिए हार्ड लाइट। ये सभी जो ऑप्शन है ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, ये प्योर ग्रे कलर से तो ये ओवरले के ऑप्शन है, तो वैसे ही ओवरले हो जाएगी फोटो। तो अगर इनको हम थोड़ा सा इस फोटो को हम यहाँ से कंट्रोल एल से, मैं इसकी लाइटिंग यहाँ से कम कर देता हूँ, यानी कि डार्क कर देता हूँ, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। या फिर मैं इसकी लाइटिंग इंक्रीज कर देता हूँ, दोनों ही सिचुएशन के अंदर ये हमें दिखाई देगा। अदरवाइज ग्रे 50% होगा तो मिक्स हो रहा है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। हार्ड मिक्स लाइट करेंगे तो थोड़ा सा ये जो हार्ड लाइट पीछे से आ रही है उसके अंदर मिक्सिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहा है। ये देखिए इस तरह से हार्ड लाइट, और उसके बाद में विवाइड लाइट, विवाइड लाइट के अंदर ये अच्छी शाइनिंग दे रहा है यहाँ पर लाइटिंग जो है उसके ऊपर, और जहाँ पे ब्लैक पार्ट है प्योर ब्लैक इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। कलर्स जो है वो बिल्कुल ज़्यादा अच्छे तरीके से इसके अंदर दिखाई देंगे। लाइनियर लाइट वो थोड़ा सा हल्का है विवाइड लाइट से। और उसके बाद में पिन लाइट, पिन लाइट आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंट ही है। जहाँ जहाँ पे शाइनिंग आ रही है, जहाँ जहाँ पे ये हमें लाइटिंग दिख रही है उसको कम करता है ये,
स्किन के ऊपर भी जहाँ जहाँ पे कई जगह शाइनिंग है उसको ये थोड़ा थोड़ा कम करके उसके साथ में मिक्स हो रहा है पिन लाइट से, और हार्ड मिक्स आप देखेंगे तो पूरी तरह से हार्ड हो गया। यहाँ पे जो वहाँ पे येलो कलर होना चाहिए वहाँ पे पूरी तरह से येलो कलर आप देख सकते हैं, और जहाँ पे वाइट कलर, रेड कलर, सियान, मेजेंटा ये कलर्स हैं वो पूरी तरह से हार्ड कलर हमें दिखाई दे रहे हैं। अब सभी ऑप्शन के ऊपर ओपासिटी यूज़ कर सकते हैं, आपको कितना इसको हार्ड चाहिए वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है डिफरेंस। डिफरेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमने देखा था फोटो के अंदर डिफरेंट कलर्स, इनवर्स कलर्स हो जाते हैं, उल्टा हो जाता है कलर्स का। उसके बाद में देखिए हम यहाँ पे देखते हैं एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले एग्जाम्पल को लेते हैं। यहाँ से इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर ये वर्क नहीं करेगा, 50% ग्रे है, तो लाइट और डार्क कलर होगा तब हमें अच्छी तरह से इसका पता चलेगा। अगर एक्सक्लूजन इसमें करूँगा तो ये पता नहीं चल रहा है इसके अंदर। यहाँ पर हम करेंगे एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन करने से आप देख सकते हैं ग्रे जहाँ पर कलर है वहाँ पर ग्रे कलर ही है, लेकिन लाइट और जो डार्क कलर है उसके अंदर आप इफेक्ट दे सकते हैं। लाइट कलर है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा नॉर्मल फोटो दिखाई दे रहा है, और धीरे धीरे पूरी तरह से जैसा बैकग्राउंड है वैसी की वैसी फोटो दिख रही है। और ब्लैक अगर फोटो है तो वहाँ पर देखिए पूरी तरह से इनवर्स फोटो दिखाई दे रही है, पूरी तरह से उसके कलर्स जो है उल्टे कलर्स हमें इसके दिखाई दे रहे हैं, ठीक इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया इसके अंदर। और उसके बाद में सब्ट्रैक्ट और डिवाइड। सब्ट्रैक्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने से देखिए कलर इनवर्स हो गए, जहाँ पे ब्लैक था ब्लैक टू वाइट में, अगर इसी को आप डिवाइड करेंगे तो ठीक इसका उल्टा होगा, डिवाइड से भी यहाँ पे वाइट आ गया, यहाँ पे अभी आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंट हो गया। और सब्ट्रैक्ट जब आप करेंगे तो इसका जस्ट उल्टा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ब्लैक आ गया और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और ग्रे के अंदर हमको इतना ज़्यादा पता नहीं चल पाता इसलिए हमने इसको नहीं किया। सब्ट्रैक्ट के अंदर हम करेंगे तो इस तरह से हमें इनके अंदर डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में हुई सिचुएशन एंड कलर्स, ये जो है कलर्स के लिए हैं, जो कलर्स ऊपर वाले लेयर के अंदर होता है वही कलर ब्लेंड मोड हम करते हैं, तो सेम कलर इफेक्ट बैकग्राउंड वाले लेयर के ऊपर जाता है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, ये ग्रे कलर है तो ग्रे कलर हम इसके अंदर अगर करेंगे तो कुछ इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक और लेयर क्रिएट कर लेता हूँ, इस लेयर को हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे एक और मैं लेयर क्रिएट कर रहा हूँ इस तरह से, जिसके अंदर मैं ग्रेडियंट फिल कर रहा हूँ, इसके अंदर सभी कलर्स हमें मिल जाए, इसके अंदर खूब सारे कलर्स हैं। ये सभी मैंने बताया था कि ये कलर्स के ऊपर इनका ज़्यादा पता चलेगा हमें। तो हुई मैं अगर करता हूँ तो इसके अंदर जो कलर्स थे वो सभी के सभी कलर इफेक्ट इसके अंदर आ रहे हैं, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, सभी के सभी इसके अंदर आ रहे हैं। और आप अगर इन कलर्स का इफेक्ट फोटो के अंदर देना चाहते हैं तो ठीक इस तरह से आप दे सकते हैं, फोटो बहुत ही अच्छी लगेगी, इस तरह से एक अलग फोटो बनेगी। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेचुरेशन। सेचुरेशन के अंदर सेम जो बैकग्राउंड के अंदर कलर है वो और ज़्यादा हमें गहरे दिखाई देंगे सेचुरेशन की तरह, यानी कि बैकग्राउंड इमेज के ऊपर हमें कलर ज़्यादा इस तरह से दिखाई देंगे। ये ठीक उसी तरह से वर्क करता है जो सेचुरेशन हमने देखा था। सेचुरेशन अगर ज़्यादा हो तो आप उसको कम कर सकते हैं ओपासिटी की मदद से, ये देखिए यहाँ पे ओपासिटी है, थोड़ा कम करेंगे तो कलर जो फोटो के अंदर होंगे वो हमें ज़्यादा गहरे दिखाई देंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे आप कलर्स देख सकते हैं इस तरह से। तो ये सेचुरेशन का इफेक्ट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर सेचुरेशन के बाद में कलर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये हुई की तरह ही है लेकिन उससे थोड़ा अलग है। इसके अंदर ये जो कलर येलो कलर है रेड कलर है वो कलर बैकग्राउंड वाली फोटो के अंदर कलर करके दिखाता है, एक तरह से कलर में कर देता है, और इसका उपयोग हम ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर फोटो बनाने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से कलर्स के अंदर आ गए। और ल्यूमिनोसली के अंदर देखिए, ल्यूमिनोसली करेंगे तो बैकग्राउंड वाली फोटो के अंदर जो कलर्स हैं वो कलर्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए अब फोटो के अंदर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड की फोटो के अंदर जो कलर्स थे वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसकी ओपेसिटी जैसे जैसे कम करूंगा तो बैकग्राउंड की फोटो ज़्यादा हमें दिखाई देगी, यानी कि कलर्स इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो सभी के सभी हमने यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड देखे हैं, और
नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू जारी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इनका उपयोग हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊँगा कि ब्लेंडिंग ऑप्शन दो और भी हैं, वो कहाँ पर हैं, अच्छे ऑप्शन है वो भी, वो कहाँ पर है, उनका उपयोग किस तरह से हम कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ज़रूर देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी कंटिन्यू ब्लेंडिंग मोड हम जारी रखेंगे। आप ये वीडियो देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ गूगल प्लस और फेसबुक जैसी सोशल साइट्स के ऊपर शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप सीख पाएंगे। थैंक यू।